السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ آگے منظور صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی شیخ شیخ بھی جوائن کر لیا ہے بس ابھی آڈیو اور ویڈیو کریں, کریں گے خیال میں انشاءاللہ آب بسم اللہ شیخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله آه. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सलवात वसलम साहबी व मनी वसन्नाब सुनत अमाबाद मजदूर नाजरिन वसाम अल्लाह के फ़ल से लगातार अरबिन नविया की शर हमारे सामने किताबनत और सलभ सान के मनहज के मुताबिक की जा रही है अल्लाह ताल इस किताब से हमें फ़ायदा पहुँचाए और इन दरूस से भी अल्लाह ताली हमारे इल्म में इजाफ़ा करे जो कुछ हम सुने सीखें उस पर अमल करने के अल्लाह तला तब तो भी बख्शे शेख मोहतरम तशी बुला चुके हैं हम शेख के इतहाई शुक्रगुजार हैं कि शेख हमें अपना वक्त देते हैं और हमें और इस तरीके से हमारे तमाम साम और नाजरीन और मुशाहन को फ़ायदा पहुँचाते हैं अल्लाहन शेख मोहतरम की आफात फरमाए और मजीद कृष्णा कहते हुए आप तमाम लोगों को खुश आमद कहते हुए शेख मोहरम से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि शेख हमें दर्श का आगाज़ फ़रमाएँ اور ہم اپنے علم سے مصطفى فرمائیں جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون قابل احترام فضيلة الشيخ محمد مختار مدني حفظه الله ديگر اهل علم میرے محترم ديني أو اور قابل احترام مار بہنو. الاربعون النووية کی أحاديث کا ہم और 36 हदीसें इससे पहले हो चुकी हैं और आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हदीस नंबर 37 और 38 का हम मुताल करेंगे इन हदीस नंबर 37 का कानवान नेकी और गुनाह के सिलसिले में अल्लाह का फल और अदल इस पूरी हदीस का जो हासिल है या यानवान है वो ये कि अल्लाह रबुआलमीन के हाँ नेकी और गुनाह के बारे में अजर और सवाब का क्या क़ायदा है और इंसान की नीयत और उसके अमल के तल्ल से अल्लाह के हाँ क्या उसूल और राबता है इस हदीस को समझने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि कोई इंसान अगर आख़रत में हलाक होता है तो यकीनन वाकई वो इस बात का हकदार था कि हलाक हो वाकई वो इस लायक था कि हलाक हो अल्लाह रब्बुल रबुलमी ने इंसान की नजात के लिए इतनी आसानी कर दी है कि खैर का तालिब यकीनन फलाह पा सकता है आइए देखते हैं हदीस के अल्फाज क्या हैं और उसके मानी और उससे मुतालिक मबाहिस क्या हैं अन हैंबन अब्बास रद्हुमाली तबार وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم فلم يعملها.

अपने रब तबरक व तआला से रिवायत करते हैं सहाबी रसूल से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं था रिवा था था। ये हदीस एक कुदुसी है हदीस एक कुदुसी उस हदीस को कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत तो करें वैसे तो सारा इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ से आया है लेकिन बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं कि अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं लेकिन उसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यूं फ़रमाया या अल्लाह ताला ने यूं कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो हदीस हो और अल्लाह का कलाम उसमें हो अल्लाह का कौल उसमें हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में रिवायत करते हों ऐसी हदीस को हदीस खुदी कहते हैं हदीस खुदी और क़ुरान में फ़र्क है कुरान के हर हर्फ पर एक नेकी और उसका दस गुना है लेकिन हदीस खुदसी के बारे में इस तरह का कोई वादा या फजीलत नहीं आई अगरचे उसका सवाब अपनी जगह है पढ़ने का लेकिन ये सवाब कुरान के साथ खास है लिहाजा वो कुरान नहीं है इसी तरह से कुरान की तिलावत नमाज में की जा सकती हदीस खुदी की नहीं इसी तरह से कुरान में सही और ईफ़ का मसला नहीं है लेकिन हदीस खुदी में सही भी होती हैं और ज़ीफ़ भी होती हैं इसी तरह से तहारत के जो अहकाम कुरान के साथ हैं वो हदीसी कुदसी के साथ नहीं है इसका अल्तज़ाम किसी दलील से साबित नहीं है तो ये हदीसी कुदसी है और इसकी अहमियत इस एतबार से होती है कि अल्लाह रब्लम का अल और अल्लाह की बात इसमें बयान की जाती है जो बंदों को मजीद बताने के लिए होती है कि अल्लाह की बात है तो उसकी अहमियत और ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है तो इबन अब्बास रदी अल्लाह तुमा रसूल अक्रम वसल्लम से और आप अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तबल अल्लाह ताला व नेकियों और गुनाहों को लिख दिया फिर उसे बयान भी कर दिया फमन हम अब हसना चिन्ह फलम यामलहा तो जो शख्स नेकी का इरादा करे नीयत करे

दस नेकियों से लेकर सात सौ नेकियों तक बल्कि कई गुना और भी ज्यादा अल्लाह ताला उसका तलाब लिख देता है दस गुना से सात सौ बल्कि उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा वो हम अभी फलम यामल है और अगर वो नीयत करे गुनाह की नीयत करे बुराई की नीयत करे पहले नेकी की नीयत की अगर कोई बंदा गुनाह की नीयत करे फलम यामल है लेकिन वो गुनाह ना करे तबाहतन तो का तो अल्लाह ताला अपने हां उसके लिए एक की लिख देता है और अगर वो गुनाह का इरादा करें और गुनाह कर जाए तो अल्लाह गुनाह लिख देता है इमाम अलबुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को रिवायत किया है अपनी सही हैद में इन अल्फाज के साथ में है इस हदीस में चार हालतें बंदे की बयान की बयान गई हैं एक हालत नेकी दो नेकी दो हालतें के बारे में है दो गुनाह के बारे में एक सूरत नेकी के बारे में नियत करे लेकिन नेकी न कर पाए या न करे और दूसरी सूरत है कि नियत के साथ साथ अमल भी करे गुनाह का मामला भी ऐसे ही है कि गुनाह का इरादा करे लेकिन गुनाह का इरादा करने के बाद गुनाह का इरादा छोड़ दे गुनाह ना करे दूसरी सूरत यह है कि इरादा गुनाह का करे और गुनाह कर जाए गुजर जाए उस पर से गुनाह कर बैठे तो इन चार सूरतों में अल्लाह रबुलम का क्या मामला बंदे के साथ है नेकी और गुनाह कैसे उसके लिए लिखा जाता है ये इस हदीस में बयान किया गया है और ये बड़ी अजीम शान हदीस है जिसमें बहुत सारी बातें सीखने की हैं हदीस के अल्फाज हैं व इनबलिक पहला टुकड़ा हदीस का है अल्लाह ताला ने नेकियों और गुनाहों को लिख दिया फिर उसे बयान भी कर दिया यहाँ लिखने और बयान करने की बात जिक्र की जा रही है लिखना कैसा है और बयान करना कैसा है क्या माना है शेख इबन रेबा क्या लिखा अल्लाह ने नेकी और गुनाह के बारे में अल्लाह ने क्या लिखा दो चीजें लिखी एक उसका वो लिखा जैसे बंदा क्या अमल करेगा अल्लाह को मालूम है अल्लाह ताला ने सारे लोगों की तकदीर पहले से लिख दी है उनके पैदा होने से पहले आसमान और जमीन के बनने से पचास हजार साल पहले बल्कि बंदा जब एक बच्चा जब माँ के पेट में रहम में उसमें रूह आती है जान डाली जाती है तभी भी फरिश्ता उसके लिए लिखता है कि वो क्या क्या अमल करने वाला है कि वो नेकी करेगा या गुनाह करेगा जो भी उसका अमल होता है वो लिखता है तो अल्लाह के अमर से होता है तो अल्लाह रबालमी ने बंदे के आमाल लिख दिए हैं उनका वकूफ क्या क्या होगा और वक्त तबाह और अल्लाह ताला ने उसका सवाब भी लिख दिया है फरमाते हैं अम महफूज़ आमाल और बंदे के जो नेकियां और गुनाह हैं जिनका वकू होना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको लौह महफूज़ में लिखा है वह अम सवाबुहा फबिमा दल अल शर और जहां तक के सवाब का मामला है तो जो शरीयत जिसकी रहनुमाई हमारी करती है कुरान सुन्नत से जो चीज़ साबित होती है अल्लाह ने उसको लिख दिया है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको बताया गया कि कौन सी नेकी का सवाब कितना है तो शरीयत में इसकी तफसीलात मौजूद हैं शहरबीन में ये बात शेख हुसैमिन ने कही है शेख साल आल शेख कहते हैं यानी कत बहा इंदा फाफिल कुरान अल्लाह ताला ने अपने नेकी और गुनाह का मामला लिखा क्या नेकी क्या गुनाह क्या हलाल क्या हराम क्या सवाब क्या गुनाह किस चीज़ पर भलाई की कौन सी चीज बुरी है और फैफिल कुरान फिर इसी कुरान में बयान कर दिया इजमाली तौर पर और सुन्नत में तफसीली तौर पर بينما ما تكون بينما تكون به الحسنة و ما تكون به السيئة بيان کر الله اللہ تعالیٰ نے کہ أَوْ كَيَّ ہے, ہے, کا, ہے کا يعني, يعني بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة وبين العمل الذي يكتب للمرء به سيئة कि क्या अमल करने से नेकी लिखी जाएगी क्या अमल है जो गुनाह वाला होगा क्योंकि अमाल तो अमाल हैं अच्छे बुरे की तमीज़ बंदा खुद से नहीं कर सकता है जैसे एक इंसान अगर तिजारत में नफ़ा कमाए तो उसके लिए हलाल है और अगर वो तिजारत में सूद ले सूद का मामला करे तो उस पर गुनाह है तो बाहर अमल एक ही है कि क्या नेकी है क्या गुनाह है क्या हलाल है क्या हराम है एक इंसान का मस्जिद की तरफ चलना और शराब खाने की तरफ चलना 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 है अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि कौन सा अमल जो बंदे से होने वाला है वो भलाई शुमार होगा और कौन सा अमल है जो गुनाह शुमार होगा बंदा खुद से नेकी और गुनाह का फर्क मालूम नहीं कर सकता है अल्लाह रबुल आलमी ने खुद इसको लिखा और बयान किया मालूम है कि बंदा मोहताज है नेकी और गुनाह की मारिफत के लिए अल्ला रब्बिल आलमीन के इल्म का जो रसूल के जरिए से दिया जाता है ये पहली बात हमको जानना जरूरी है अलमा अल हयतमी कहते हैं बयन الذलिका इसको अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इसमें एक माना ये भी है कि बयन الذलिका للكتبه من الملائكه हत्ता عرفوه अल्लाह ताला ने बयान कर दिया एक तो सारे बंदों के लिए रसूलों की मारिफत लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए भी बयान कर दिया ताकि वो उसको पहचान ले कि बंदा कौन सा अमल करे तो उसको नेकी के खाने में लिखा जाए और कौन सा अमल करें तो उसको गुनाह के खाने में लिखा जाए वस्तगनों भीफी खुल वक्त इनका फू ना हो यानी फरिश्तों को बता दिया कि कौन सा अमल बंदा करे तो नेकी लिखना है कौन सा बंदा अमल करे कौन सा अमल करे तो उसके लिए गुनाह लिखना है ताकि फरिश्ते मुस्तगनी हो जाएं हर अमल के बारे में अल्लाह से पूछना ना पड़े कि अल्लाह इसको हम नेकी लिखें कि गुना लिखें तो बईना में एक तो इसका बयान और इसकी तबियन इसकी वजाहत बंदों के लिए है रसूलों की मारे पर ताकि वो अमल करें जाने नेकी और गुनाह के फर्क को लेकिन इसी तरह से अल्लाह ने बयान कर दिया फरिश्तों को भी फरिश्तों के सामने भी फरिश्तों के लिए भी ताकि वो जान लें कि बंदे के किस अमल को कहाँ लिखना है जो दो फरिश्ते उसके नेकिया और बुराइयों को लिखने वाले होते हैं तो इनके लिए भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया तो इसमें यानी ये इल्तिज़ाम अल्लाह की तरफ से है बंदे के आमाल का जब अल्लाह ने इतना इंतज़ाम उसके लिए किया है तबयन का और उसके लिखने का तो बंदे को भी चाहिए कि वो अपने अमाल के सिलसिले में बहुत ज्यादा मोहतात रहे वो देखे कि उसका अमल उसके मुस्तबल को तय करने वाला है या तो वो जन्नती बनेगा या तो जहनमी लिहाजा जब अल्लाह ने इतना इंतजाम किया है तो अपने अमाल के बारे में बेफिक्र ना हो लापरवाह ना हो बल्कि अपने हर हर अमल का मुराकबा करे देखे कि मैं क्या अमल कर रहा हूं अल्लाह ने कहा हर एक देख ले कि कल के लिए उसने क्या आगे भेज रखा है मालूम कि आदमी को अपने अमाल का मुहासबा भी करना चाहिए और इसी में उसकी असलाह है इसी में उसकी नजात है आगे बढ़ते हैं फमन हम अभी हसनती इन फलम या अमल है कह तब्लासन कामिला अमल नहीं करता है कह तबल्लासनतामिला अल्लाह तला अपने यहाँ उसके लिए कामिल नेकी का स्वाब लिख देता है मालूम हुआ कि कल्ब का अमल भी अमल शुमार होता है और सच्ची नीयत भी अल्लाह के यहाँ अजर सवाब के अतबार से अमल के कायम मकाम हो जाती है लिहाजा मोमिन को चाहिए कि ने, नेकी की नीयत के बारे में बख़ील ना हो कहाँ होगा मुझसे नहीं हो सकता मुझसे नीयत तो करे हो सकता है आज न सही अल्लाह तला कल उसको तोफीक दे आज मुश्किल हैं कल आसानियां पैदा करें आज माजूर है कल अल्लाह ताला इम्कान पैदा कर दे तो यहां बताया कि जो नेकी की नीयत करे लेकिन ना करें अमल अमल न करना कई कईबार से हो सकता है कि एक आदमी आज उसने नीयत की लेकिन कल वो माजूर हो गया नहीं कर पाया हज का इरादा किया था या फुला अमल का इरादा किया था लेकिन नहीं कर पाया दर्श में जाने का इरादा किया था लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाया या इसी तरह से उसने नीयत तो की थी लेकिन भूल गया तो किसी उज्र की वजह से या भूलने की वजह से या इस्बाब की फराहमी न होने की वजह से अगर आदमी अमल न कर पाए तो ऐसा आदमी अल्लाह के हाँ उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है इसलिए कि उसकी नीयत सच्ची थी इसकी कई मिसालें हमारे सामने दीगर अदीस में भी मिलती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अता फराशा हो हु। जो आदमी अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत थी कि वह रात में क़्यामैल के लिए बेदार होगा वह रात में तजुद पढ़ेगा पथ हुआ आयना हो हतोती

और उसकी नींद उसके रब की तरफ से उस पर सदका है अल्लाह ताला ने उसकी नींद को उसके लिए क्या कर दिया सदका कर दिया इमाम अनसाई इबन माजा और हिब्बा ने इसको रिवायत किया है और सही तरगीब हदीस नंबर इक्कीस पर शेख अलबानी ने इसको हसन सही कहा है इस हदीश से मालूम होता है कि नफल इबादत का इरादा आदमी ने किया लेकिन नींद की वजह से वो मगलूब होकर उस हमल को नहीं कर पाया नीयत सच्ची थी नीयत की वजह से ही उसको सवाब मिलेगा अगर वह अमल नहीं कर पाया और उसका सोना और उसका आराम करना अल्लाह की तरफ से उस पर सदका है इसी तरह से आप देखें फ़राज के सिलसिले में नमाज जमात की नमाज के सिलसिले में आप देखिए यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की आपने फरमाया मन तुम जो आदमी वजू करे और अच्छा वजू करे कामिल वजू करे सरा फिर वो मस्जिद गया तो उसने देखा कि लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं फर्ज नमाज जमात के साथ हो गई पहुँचने तक नमाज खत्म हो गई सलाम फेर दिया इमाम साहब ने आज अल्लाह तक वह करता है उसकी तरह उनकी तरह सवाबता करता है जिन्हों जो उस नमाज के लिए हाजिर हुए और उन्होंने नमाज भी अदा की मस्जिद में आए और जमात से नमाज पढ़ी इस देर से आने वाले को जिसकी नीयत सच्ची थी अल्लाह उसका सवाब, वो सवाब अता फरमाता है उनकी हादरी का और उनके जमात से नमाज पढ़ने का लाइ हाँ लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ी जमात के साथ में उनके अजरमे से कोई कमी नहीं की जाएगी इसको हम थोड़ा आगे जाके समझे कि बहुत अहम नुकता है जो बहुत सारे इश्कालत को ख़त्म करता है जो बाज अहादीस में फ़गैल के आते हैं बहुत अहम चीज़ है उसको हमको समझना है इमाम अहमद अबू दाऊद नसई और हाकिम ने इसको रिवायत किया है और सै जाम सगीर में हदीस नंबर छह हज़ार एक सौ तिरसठ पर शेखबानी ने इसको सही कहा है एक और हदीस हम देखते हैं अच्छी बुरी नीयत जहाँ अच्छी नीयत का मामला है वहीं बुरी नीयत का भी मामला है आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं इन नमत दुनियाली अरबायती नफर दुनिया में चार किस्म के लोग होते हैं दुनिया में चार लोगों का आदमी चार में से एक हाल में होता है आबदिन रज मालन विल्म एक तो वो बंदा है जिसको अल्लाह ने माल भी दिया और इल्म भी दिया फत तकीफी ही रबा हो तो वह अपने माल के सिलसिले में अपने इल के बल्ला तला से अपने रब से डरता है परहिजगारी की राह अख्तियार करता है ही राहि हूँ और अपने माल से रिश्तेदार रिश्ते नाते जोड़ता है, उन पर एहसान करता है लुटाता है व्याम और अपने माल में के हक को भूलता नहीं जानता है याद रखता है अपने माल में से जक़ात अदा करता है फुक पर खर्च करता है अहलोल की जिम्मेदारी निभाता है हकूक अदा करता है फहादा ये आदमी

अगर मेरे पास माल होता या अगर मुझे माल मिल जाए मैं फलाँ की तरह निकिया करूंगा। फला आदमी जो भलाई के काम करता है मैं भी वैसे काम करूंगा। फह अभी नीयत ही बस अल्लाह के यहाँ उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है फा सवा। तो इन दोनों का अजर बराबर है पहला वो जो माल दिया गया इल्म दिया गया और माल में हक अदा करता है हकदारों का और माल में सही अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है दूसरा ये माल नहीं है लेकिन उसका इलम सही है लिहाजा उस इलम की बिना पर उसकी नीयत भी अच्छी है वो जानता है कि कैसी नीयत करना चाहिए तो उसकी नीयत की वजह से अल्लाह रबीन उसको सवाब देगा और फरमाते हैं कि उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है और दोनों का अजर बराबर है इसमें थोड़ा शुभा है आगे जाके हम इस देखेंगे उसको इनशा वह अब दिन मालन इल्मा। तीसरा बंदा वो है जिसको अल्ला रबालमीन ने माल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया उसका इल्म सही नहीं फवा यु फी माल ही बग़ैर इल तो वह अपने माल में इल्म के बगैर ही गलत तसरफ करता है माल में गड़बड़ करता है गलत इस्तेमाल करता है उसका ला य तकीफी ही रबा हो वला सिलोफ़ी ही रहिमा हो अपने माल के सिलसिले में वो अल्लाह रबालमीन के हकुम के मुताबिक परहेज गारी का रास्ता नहीं अपनाता तकवा वाला रास्ता नहीं अपनाता अल्लाह से डरता नहीं माल के बाब में और न ना रिश्ते नाते जोड़ता है उस माल के जरिए से एहसान करके वला यालमु लिल्लाहि फी हक्कन और उसमें अल्लाह के हक को पहचानता नहीं फहादा बअखबथिल मनाज़िल ये सबसे बदतरीन मकाम पर है इसका दर्जा अल्लाह के यहां सबसे बदतरीन है व عبدम ल यर्ज़ुकुल्लाहु मालन वला चौथा वो है जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म दिया नफा बख्श उसको नहीं दिया हो सकता दुनिया का बहुत कुछ जानकार हो आदमी कहता है कि काश के मेरे पास माल होता या अगर मेरे पास माल होता तो मैं इस अश की तरह बुरे आदमी की तरह जो अपने माल में गलत तसरफ करता है मैं भी ऐसा करता मैं भी फिल्में देखता मैं भी जो है गलत काम करता शराब पीता जुआ खेलता वगैरह वगैरह तो वो दूसरे को देख रहा उसकी अयाशी को गुनाहों को और सोच रहा है कि काश मेरे पास माल होता तो ये गुनाह मैं भी करता ये लजत है मैं भी उड़ाता फहु अभी नीयत ही तो अल्लाह के हाँ उसका मामला उसकी नीयत ही के मुताबिक होगा फविज तो सवा और दोनों का गुना बराबर है जो अमल उसने बुराइयां उसने की और ये जो नीयत कर रहा है फवीज तो सवा इन दोनों का गुना बराबर है इस हदीस को इमाम अहमद और तिरमिदी ने रिवायत किया है सैदाम सगीर हदीस नंबर तीन हजार चौबीस शेख अलबानी ने इसको सही कहा है यहां ये चार लोग हैं इल्म माल तो इल्म और माल दोनों दिया गया तो इल्म के ताबे अपने माल का तसरफ करता है इल्म के मुताबिक सही इल्म के मुताबिक खर्च करता है सबसे आला मंजिल उसके बाद वो जो माल में उसके पास माल नहीं है लेकिन इल्म है उसके पास नीयत अच्छी है मुजरद उस नीयत की बुनियाद पर उसको सवाब मिलेगा काश के मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता तीसरा माल भी है लेकिन इल्म नहीं है और उसका इल्म बिगड़ा हुआ है लिहाजा उसकी नीयत भी बिगड़ी हुई है और उसका अमल भी बिगड़ा हुआ है वो अपने माल में गलत तसरफ करता है ये बदतरीन मकाम पर है और चौथा वो जिसके पास माल भी नहीं और इल्म भी नहीं है तो वो आदमी उस मालदार को देखता है जो गुनाहगार है और उसकी अयाशियों को देख के चाहत करता है कि काश माल होता तो मुझे भी लजतें मिलती इस आदमी को भी गुना होगा उसकी नीयत की वजह से अगरच वो वो सारी अयाशियाँ नहीं कर पाया तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि नीयत का मामला जहाँ नेकियों में है वहीं गुनाह में भी है एक आदमी नीयत की बुनियाद पर सिर्फ नीयत की बुनियाद पर सवाब का हकदार बन सकता है वहीं वो आदमी बुरी नीयत की वजह से गुनाह का भी हकदार बन सकता है लिहाजा अपने इरादों को सही करना भी जरूरी है वैसे ही जैसे अपने अमाल को सही करना जरूरी है इस सिलसिले में एक शबा पिछली हदीस से भी और इस हदीस में भी पैदा होता है, है वो ये कि वह आदमी नमाज के लिए गया और देर से पहुंचा जमात हो चुकी है उसको भी वही सवाब मिलेगा जो नमाज पढ़ने वालों को मिला वो लोग तो बेचारे आके इतनी मेहनत किए मुजाहदा किए और वो भी बराबर ये भी बराबर ये मुजरब नीयत की वजह से और वो सब अमल करके भी दोनों में कोई फर्क नहीं और माल वाला भी है मिसाल के तौर पर माल खर्च कर रहा है इतना मेहनत से कमाता है लोगों पर खर्च करता है और एक आदमी न कमाया ना खर्च किया बस नीयत की बुनियाद पर वो मकाम उसने पा लिया उतना सवाब उसको मिल गया तो क्या अमल करने वालों के लिए इसमें सुस्ती का पहलू नहीं निकलता कि हम खाली ही करें क्यों अमल करें नहीं आप देखेंगे कि इसमें हदीस में बताया गया है कि पहला जो है सारी मंजिलों में सबसे आला मंजिल पर है और गुनाह करने वाला माल को गलत इस्तेमाल करने वाला ये बदतरीन मकाम पर है तो इन दोनों को आला और बदतरीन दोनों करार दिया गया यानी अमल करने वालों को मालूम कि अमल करने वाला और नीयत करने वाला दोनों में फर्क है चाहे वह नेकी के एतबार से हो या गुनाह के अहबार से हो इसीलिए फरमाते हैं इस हदीस की में कौलो फिल अजर सवा ये बहुत अहम नुकता है इसको याद रखिए ये बहुत सारी अः अहदीस में जो इश्काल पैदा होता है उस इश्काल को दूर करता है फरमाते हैं फाहु फिल अजर सवा फी असल अमली दून कहते हैं है है उसमें बराबर है लेकिन जो अमल करने वाले को कई गुना अल्लाह देता है ये इसको नहीं मिलेगा एक आदमी नीयत किया फुला नेकी की उसको उस अमल का जो सवाब अल्लाह के यहाँ मुकदर है वो सवाब मिलेगा लेकिन नियत करने वाले को उसका एक अमल का सवाब मिलेगा लेकिन जो आदमी अमल किया है उसको वो तो मिला लेकिन अल्लाह उसको कहाँ से शुरू करता है दस गुना से शुरू करता है वो दस गुना इसको नहीं मिलेगा तो अजर का हकदार ये भी है और वो भी है लेकिन दोनों में जाहिर बात है तफादुल तो होना ही है दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं अल्लाह के यहाँ आदल का मामला है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनके अमल के मुताबिक कई गुना करके भी देगा लेकिन इसको कई गुना नहीं मिल सकता है लेकिन एक अमल का सवाब मिलेगा ऐसी कई हदीसे हैं जिसमें जैसे जमात के लिए भी गया वो बेचारे आए जमात से नमाज पढ़े इतना सर्दी में ठिठर के आए और सब कुछ किया और वक्त पर आए जल्दी की उन्होंने और वक्त पे पहुंच के पड़ी और ये देरी से आके भी उसका सवाब मिला जबकि जमात पाई नहीं उसने तो इसको जो सवाब मिलेगा वो असल जमात का सवाब मिलेगा लेकिन एक अमल पर दस गुना से लेकर कई गुना जो बढ़ा के दिया जाता है वो आमिल के लिए है नियत करने वाले के लिए नहीं है इससे कई इश्काल दूर होते हैं जो बहुत सारी हदीसों में हम देखते हैं फुला अमल पर हज का स्वाब मिलेगा तो आदमी सोचता है फिर जो हज को जा रहा है उसको क्या मिलेगा उतना मेहनत करो उतना मुजाहदा करो इतना खर्च करो हज का स्वबाब और इस आदमी को घर बैठे हज का स्वाब मिल रहा है तो ये हदीस सही नहीं हो सकती बाजात लोग इस तरफ भी चले जाते हैं याद रखें उसको असल हज का सवाब मिलेगा एक हज जो होता है या जो भी अमाल आ रहे हैं गुलाम खर्च कर सदका करना या आजाद करना या इतना माल खर्च करना वगैरह वगैरह जितने भी अमाल हैं असल अमल का सवाब उसको मिलेगा लेकिन आमिल को दस गुना से ज्यादा सात सौ और उससे भी ज्यादा मिलेगा नीयत करने वाले के यहाँ मुदाफा नहीं है कई गुना करना नीयत वाले के लिए नहीं है वो अमल करने वाले के लिए जैसा कि आगे भी आएगा

कि अगर दोनों हर एतबार से बराबर हो जाते दोनों का मामला हर एतबार से बराबर होता तो जो आदमी नीयत करके अमल नहीं कर रहा है और जो नीयत कर रहा है जो आदमी नीयत करके अमल नहीं कर पा रहा उसको भी दस गुना मिलता कहते वह खिलाफ वालाफ उन और ये बात सारी दलीलों सारी के खिलाफ है तो इससे एक बहुत अहम बात मालूम हुई वो ये कि नीयत करने वाले को एक सवाब मिलता है लेकिन अमल करने वाले की शुरुआत दस गुना से होती है लिहाजा कोई आदमी यह नहीं समझे मैं नियत करता रहूंगा और अमल नहीं करूँगा ऐसा आदमी गलती पर है अमल करने वाला आदमी दस गुना पाता है तो अमल करना जरूरी है हाँ ये आदमी ये मिसाल के तौर तो पर जैसे तहजुद का मामला है वैसे फर्ज का मामला नहीं है मसलन एक आदमी तजुद की नीयत किया और रात में लेटा तो नींद उसकी लग गई और आंख नहीं खुली और फजर में उठा तो अब तहाज तो फर्ज थी नहीं फी नफसी ही तो उसके लिए तहाज पढ़ना लाजिम नहीं अगरचे मुस्तहब है कि अपनी जो छोटी इबादत है उसकी तलाफी आदमी करे जिससे रसूल सल्ला करते थे नवाफिल की भरपाई भी बेहतर चीज है लेकिन लाजिम नहीं है लेकिन कोई आदमी कहा मैं नीयत करके सोया सुत फजर की नमाज की और आंख नहीं खुली और सूरज निकला और मेरी आंख खुली तो इन मुझे हदीस में तो आया है दलील भी मेरे पास है वो ये कि मैंने जो नमाज नहीं पढ़ी फजर की मुझको उसका शवाब मिला पढ़ने की जरूरत नहीं ऐसा नहीं है फ़राज के बारे में यह है कि उनकी भरपाई करनी पड़ती है चाहे आदमी भूल जाए इसीलिए अल्लाह के नबी सदी में फरमाते हैं कि जो आदमी नमाज से सोया रह जाए या नमाज भूल जाए तो वो उसी वक्त उसको अदा कर ले फौरन जैसे ही उसे याद आ जाए तो मालूम कि फरय भूलने के बाद भी साकित नहीं होते उसको अदा करना जरूरी है जैसे ही उसको याद आए नेकी के साथ जैसे आपने देखा कि कायदा था गुनाहों का भी वैसी कायदा है कि अगर एक इंसान नीयत पर उसका खात्मा हो और बुरी नीयत थी तो ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक गुनागार है का शुबा होता है कि एक इंसान अगर नीयत की अमल तो नहीं किया ना गुनागार कैसे हुआ नीयत पर मुदावमत और उसी पर खातिमा एक इंसान को गुनागार बनाता है हाँ अगर आदमी नीयत करने के बाद रुजू कर ले और अपनी नीयत छोड़ दे गुनाह की अल्लाह की खातिर जैसा कि आगे आएगा तो ऐसे इंसान के लिए नेकी लिखी जाती है इसको हम पहले समझते हैं अल्लाह के अलैहि के अबू रिवायत है जब दो मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने तलवार निकाल कर तलवार सामने लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो जहा एक दूसरे को फेस करें और एक दूसरे की यानी को पर हमला करने के लिए तैयार हों फल काल मकतूल फिनार कतिल और मकतूल दोनों जहानम में कत्ल करने वाला भी जहनम में और जो कत्ल हो गया मकतूल वह भी जहन्नम में काला फकुल तु अकीला या रसूल हादल कतिल फमहबाल मकतूल फरमाते हैं कि मैंने या किसी और ने कहा कि अल्लाह के रसूल कातिल का तो समझ में आता है जहन्नम में गया कत्ल करने की वजह से मुसलमान को लेकिन मقتول जहनम में कैसे गया मقتول का कैसे मामला फरमाया इन कद अराद कत्ल साहिब ही आपने फरमाया उसने भी तो अपने साथी के कत्ल का इरादा किया था एक रिवायत में है इन का नरीस नाला कत्ल साहिब ही वो अपने साथी को कत्ल करने का हरीस था उसकी भी तो नियत थी वो भी तो कत्ल करना चाहता था लेकिन वो फेल हो गया और सामने वाला सक्सीर हो गया कामयाब हो गया उसने कारगर हमला किया और ये मर गया अगर इसको मौका मिलता तो ये उसको कत्ल कर देता तो नीयत तो कत्ल किस की इसकी भी थी अगर वो कत्ल करने की वजह से जहन्नम में गया तो ये अपनी नीयत की वजह से जहन्नम में जाएगा इससे बात मालूम होती है कि अगर गुनाह की नीयत इंसान की हो और उसी नीयत पर उसका खातिमा हो तो वो गुनाह शुमार होता है वो गुनाह शुमार होता है इमाम अल बुखारी ने किताबुल फ्फितर में इसको रिवायत किया हदीस नंबर सात हज़ार तिरासी और इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है दो हजार आठ सौ पर तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि गुनाह की नीयत भी गुनाह है अगर आदमी उस नीयत को तर्क न करे तर्क करने की दो वजह हो सकती तीन वजह हो सकती है एक तर्क करना होता है अल्लाह की वजह से दूसरा तर्क करना होता है मखलूक की वजह से तीसरा तर्क करना होता है भूल गया या नहीं करना सोच लिया उसने अगर अल्लाह की खातिर तर्क करता है जैसा कि आगे आएगा गुनाह का इरादा किया लेकिन अल्लाह के दर से नहीं गलत काम है नहीं करना है तो उसने छोड़ दिया नकी लिखी जाएगी अगर मखलूक की वजह से उसने छोड़ा है जैसे मसलन शराब पीने जा रहा था देखा लोग खड़े हैं शराब खाने के करीब ही पहचान वाले लोगों की वजह से उसने शराब नहीं पी ये गुनाहगार है अल्लाह के नजदीक की तहकीक इसमें यही है क्योंकि उसने अल्लाह के खौफ की बजाय मखलूक की वजह से उस गुनाह को छोड़ा अल्लाह की वजह से नहीं और तीसरी सूरत यह है कि उसने इरादा तो किया था लेकिन छोड़ दिया नहीं करना है मुझको तो ऐसा आदमी या भूल गया गुनाह का इरादा किया लेकिन भूल गया और छोड़ दिया उसने तो कोई आदमी अगर यूं ही छोड़ देता है तो ना उस पर गुनाह है ना उसको नेकी मिलेगी है क्योंकि उसने छोड़ा ये तो अच्छी बात है लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ा नहीं तो ऐसा आदमी बस यूं ही छोड़ दिया नहीं करना है मुझको गुनाह इरादा तब्दील कर दिया अपना तो ऐसा आदमी ना उसको नेकी है ना गुना है हाँ अगर अल्लाह के लिए छोड़ा है अल्लाह के खौफ से आखरत की फिक्र से गुनाह को गुनाह समझते हुए छोड़ा है तो ऐसा इंसान अल्लाह के नजदीक नेकी का मुस्तक जैसा कि आगे आएगा तो ये हमने देखा गुनाह के बारे में अल्लाह के रसुल्ला से फरमाते आगे फरमाते वह इन बिहा नेकी के बारे में इला इला अगर आदमी नेकी की नीयत करे नेकी की नीयत करें और नेकी करे भी तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ गुना तक बल्कि और भी कई गुना अल्लाह ताला बढ़ाकर उसका सवाब लिख देता है मिनिमम दस है अमल करने वाले के लिए नियत करने वाले के लिए तो एक है लेकिन अमल करने वाले के लिए दस कम से कम है लेकिन अमल करने वाले की मशक्कत उसका इखलास उसकी इतबा व अब्तद और उस इंसान के सारे मामलात वक्त की फजीलत या इसी तरह से जगह की फजीलत ये सारी चीज़ें देखते हुए मौका वगैरह सब देखते हुए उसकी नेकी की कदर बढ़ती चली जाती है तो इस एतबार से दस गुना तो है ही है लेकिन वो सात सौ गुना तक भी चला जाता है और बास बंदे ऐसे होते हैं कि सात सौ गुना से भी ज्यादा उनको सवाब दिया जाता है कई गुना करके कोई हद उसकी नहीं है सवाल है कि क्या सात सौ गुना से ज्यादा भी हो सकता है हाँ अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है मदीकून सभी उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपने मालों में से खर्च करते हैं भलाई के कामों में कमत अली हबिन इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बीज एक दाना जमीन में बोया गया तो उसमें से एक जो है यानी सात बाले निकली और उनमें से यानी हर इसमें सौ बीज तो कुल मिला के कितने हुए सात से सौ सात सौ सात सौ दाने उसमें से निकले ये बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला तो वो है जो जिसके लिए और अल्लाह बड़ा वहत वाला और इल्म वाला है। आयत नंबर दो सौ इकसठ बल्कि बाज नेकियों के बारे में तो बेत अल्लाह के रसूल सल्लास ने बतलाया है कि इनका सवाब सात गुना से ज्यादा मिलता है मिसाल के तौर पर आपने फरमाया सलातुन सला मस्जिद अल हराम मेरी मस्जिद में मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करना बेहतर है हजार नमाजों से जो इस मस्जिद नबवी के अलावा किसी मस्जिद में पढ़ी जाए हाँ लेकिन मस्जिद हराम का मामला इससे भी अलग है इससे भी ऊपर है बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है बुखारी में हदीस नंबर एक सौ एक हज़ार एक सौ नब्बे पर और सही मुस्लिम में एक हजार तीन सौ चौरानवे एक और रिवायत में आपने फरमायादला मस्जिद हराम में एक नमाज अदा करना बाकी तमाम मसाजिद के मुकाबले में सौ हजार नमाजों से अफ्वल है सौ हजार कितने हुए एक लाख तो आप देखिए सात सौ गुना से भी बढ़ गया सवाब तो बाज़ ऐसी होती हैं कि जिनका अल्लाह के यहाँ सात सौ गुना से भी ज़्यादा मिलता है इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया है सेम हदीस नंबर तीन हजार आठ सौ उनतालीस और इसी तरह से तीन हजार आठ सौ अड़तीस ने इसको सही कहा है तो एक बात दूसरी बात ये मालूम हुई इरादा करके नेकी करना दस गुना से सात सौ बल्कि कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है अब गुनाह का देखिए नेकी का हमने देखा दोनों नीयत और अमल गुनाह के बारे में क्या कायदा है वह इन अबी अतिन फलम या अमल कामिला अगर आदमी गुनाह की नीयत करे और उस पर अमल ना करे तो अल्लाह उसको अपने यहाँ एक कामिल नेकी लिख देता है एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सला फरमात यह भी अल्लाह का करम है कि एक बंदा गुनाह की नीयत किया अदल का तकाजा तो यह था कि उसका मुहासबा हो क्यों नीयत किया क्योंकि नीयत करना दिल का अमल है तो नीयत तो किया लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर एक आदमी बुरा, बुराई और गुनाह की नीयत करके उसको छोड़ देता है नहीं करता है तो ऐसे आदमी के लिए एक नेकी लिखता है ये ने कि छोड़ दिया कोई सजा नहीं गुना नहीं लिखा जाएगा नियत किया फिर भी गुना नहीं ये भी होता तो अल्लाह की तरफ से फल था लेकिन अल्लाह रबालमीन ला सखी है करीम है रहीम है अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला खैर का इरादा करता है युरीद्लाबिकुम्युसर वाला युरीबिकमुसर अल्लाह बंदों के लिए आसानी का मामला किया है आसानी का इरादा किया है तंगी का नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमी ने गुनाह का इरादा करके उसको तर्क करने पर नेकी का मामला उसके लिए रखा कि नेकी लिखी जाती है लेकिन ये तर्क अल्लाह के लिए होना चाहिए अल्लाह के नबी हदीस में, में फरमाते हैं अब फरिश्ते अपने रब से फरमा रब से कहते हैं अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब फरिश्ते कह रहे लिखने वाले ये तेरा बंदा है ये बुराई की नीयत कर रहा है यामल ये नियत कर रहा है गुनाह की वह अब अल्लाह से कह रहे हैं हालांकि अल्लाह ज्यादा उसको देख रहा है बंदे को फ़क और कबो अल्लाह फरमाता है देखते रहो ठहरो उसका मुराकबा करो देखते रहो फ इन आमिल फू हा लहु बिहा अगर वो उस गुनाह का अमल अंजाम दे दे तो बस उस गुनाह के मुताबिक उसके लिए गुनाह लिख दो उसके अमल के मुताबिक गुनाह लिखो वह इन तारा कहा लहू और अगर वह इरादा करने के बाद भी अपने इरादे को छोड़ दे गुनाह तर्क कर दे तो उसके लिए एक ने की लिखो क्यों इन नमा तर कहांजर्राया इसलिए कि उसने मेरी वजह से उस गुनाह को छोड़ा है ये जो टुकड़ा है ये उस नेकी लिखने की इल्लत है उसकी वजह है क्यों नेकी लिखी जाती है अल्लाह ताला फरमाता है इसलिए कि वो मेरी वजह से उस गुनाह को मेरी खातिर उस गुनाह को छोड़ रहा है मेरे खौफ से मेरे हुक्म की तामील में और मेरी हदूद के रियायत की वजह से तो इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है एक सौ उनतीस इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर गुनाह करने वाला उसकी नीयत करने वाला अल्लाह की वजह से छोड़ता है तभी उसके लिए नेकी लिखी जाती वरना नहीं वह हम्म बिहा और चौथी सूरत क्या है वह इनबाह हम्म अगर गुनाह का इरादा करे लेकिन गुनाह करे भी तो अल्लाह ताला अपने तल्ला हाँ उसके लिए अल्लाह ताला उसके लिए एक गुनाह लिख देता है ने यहां पर एक बात कही कहा कि देखो नेकियों के बारे में तो ये कहा गया कि हसनतन कामिला एक कामिल नेकी लिखी जाती है गुनाह के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कामिल गुनाह लिखा जाता है बस एक गुनाह लिखा जाता है जो तखफीफ का मामला अल्लाह की तरफ से है तो ये ये अल्फाज का फर्क बता रहा है कि बंदे के लिए अल्लाह के यहाँ नेकी का कितना इल्तिजाम है कि अल्लाह कामिल उसमें कोई कमी नहीं करता अल्लाह हालांकि आप देखिए हम जो नेकियां करते हैं गुना तो वैसे भी गुना ही गुना है लेकिन नेकियां भी जो हम करते हैं क्या वो कामिल होती हैं उसमें कितनी कमियां होती हैं कभी यानी आदमी के खुशों के अतबार से कभी अमल में यानी यकीन के, के अतबार से अमल के तकवा के अतबार से नेकियों में कितनी सारी कमियां हो जाती हैं गफलत के साथ कितनी सारी नेकियां हमसे हो जाती हैं लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की नीयत की बुनियाद पर और उसके अमल की बुनियाद पर उसके लिए नेकियां लिखता है और मुजरद नीयत भी अगर उसकी सही है तो कामिल नेकी अल्लाह ताला उसके लिए, लिए लिख देता है लेकिन गुनाह के मामले में क्या बताया गया बस एक गुनाह लिखा जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही यत रहम करने वाला है बड़े फल वाला है बंदे को चाहिए कि अल्लाह की कदर करें और अल्लाह के अवामिर की कदर करें अल्लाह रबुलमी फरमाता है मंजा अबिल अबिलहसन जो नेकी लेकर आएगा आखिरत में उसके लिए उस नेकी के मिस, मिसल दस गुना है जैसी नेकी थी वैसे ही दस गुना उसको मिलेगा

जितना गुना उतनी ही सजा लेकिन नेकी का मामला कैसा है एक नेकी किया कच्ची पक्की भी थी तभी भी कामिल्ला उसको देगा बल्कि अमल करने वाले को दस गुना से लेके सात सौ गुना बल्कि उससे भी ज्यादा सवाब अल्लाह देगा तो कुरान करी में भी अल्लाह ने अल्लाह तला ने गुनाहों के बाद में कहा कि वह होम ला बल्कि नेकियों के बारे में भी अल्लाह तला किसी पर जुल्म नहीं करता है एक इंसान नेकी करे और उसको उसको लिखे ही नहीं या उसका बदला ही ना दे यह बदला दे, उसका इनाम दे तो उसकी नेकी से कमतर दे अल्लाह ऐसा नहीं करता है बल्कि अल्लाह की आता हमेशा बंदे के अमल से बेहतर होती है तो यम की आयत नंबर एक सौ साठ है जिसमें बात बयान हुई है बल्कि ये भी मामला याद रखने का है कि अगर गुनाह कर भी ले बंदा तो ये भी इमकान बाकी रहता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर दे ये भी तो दरवाजा खुला हुआ है ये नहीं कि वाकई अल्लाह उस पर करेगा ही अल्लाह अपनी तरफ से माफ भी कर सकता है के हैं, या मन के जो कोई अल्लाह खुद फरमाता ये भी है कि जो बंदा कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उसके मिसल दस गुना है अजीद बल्कि मैं और बढ़ाऊंगा मैं और बढ़ाऊंगा वो अमन जा अबिसजा के जो बुराई लेकर आएगा तो उसका बदला उसके ही के मिसल है उसके ही के मुताबिक है जैसा गुना ऐसी सजा ज्यादा सजा नहीं जितना गुना उतनी सजा औ अगफिर है लेकिन और या, या ये भी मुमकिन है कि मैं उसकी मफफरत कर दू या तो मैं सजा दूंगा गुना लिखूंगा या मैं मफफरद भी कर दूंगा तो ये नहीं कहा कि नेकी करेगा तो कबूल करूंगा रद्द भी कर सकता हूँ अल्लाह अल्लाह भी कबूल करे तो कौन रोकने वाला है लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम इस बात को किया है कि वो बंदे के किसी अमल को जाय नहीं करेगा अल्लाह तला बंदे के अमाल को जाय नहीं करता है तो उसके उसके दस गुना देगा या ज्यादा भी दे सकता है अल्लाह और लेकिन गुना आए गुना करके आया तो अल्लाह ताला उतना ही गुना लिखेगा और यह भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी तफरत अपनी तरफ से करते है उसने तोबा नहीं की अल्लाह ने उसको माफ किया ये भी मुमकिन है तोबा से तो माफ होना ही होना है तोबा से तो माफ होना ही है वहाँ ये नहीं कि चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे अगर तोबा सच्ची है अल्लाह ताला यकीनन माफ करेगा क्योंकि अल्लाह का वादा है लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बंदा ने बंदे ने तोबा नहीं की अल्लाह अपनी रहमत से उसके दीगर आमाल को देखते हुए या अपनी तरफ से अल्लाह वो बादशाह है, है। अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर दे एक नहीं सारे गुनाह को माफ कर दे लेकिन यहाँ एक कायदा याद रखना जरूरी है जैसा कि शेख ने भी मुझको एक मरतबा याद दिलाया था कि आप ये भी बताएं तो मैं आज उसको बता रहा हूँ शेख को भी याद होगा इन तो वो कायदा ये है के अल्लाह रब्लम के यहाँ सारे गुनाहों के मकफरत है अल्लाह अपनी तरफ से जैसे मैंने पहले बताया था कि एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह तला औकात इंसान के गुनाहों की मफफरत कर देता है, जन्नत में डाल देता उसको जैसे एक फ्वाशा औरत थी उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह तकी की वजह से उसकी मफफरत कर दी तो बाज नकियाँ ऐसी मकबूल होती हैं कि वो सारे गुनाहों की मफफ़रत का जरिया बन जाती है अल्लाह ताला उसकी तफ़रत करता है कफारा अलग है मफफरत अलग है नेकियों से गुनाहों का कफारा होता रहता है लेकिन अल्लाह किसी की नेकी से खुश होकर उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे ये भी मुमकिन है लेकिन उसमें कायदा यह है कि सारे गुनाह माफ हो सकते हैं शिरक माफ नहीं हो सकता है क्यों इसलिए कि शिरक के साथ कोई नकी नकी है ही नहीं ले अशरकता अगर तूने शिर किया तेरा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा तो शिर के साथ नकी नफा नहीं देती है और शिरक ऐसा गुना है कि अल्लाह रबालमी ने कुरान करीम में इसके मफफरत के बारे में साफ कह दिया इनफिर कभी ही वो कलीम शाहफ फिर मगफरत नहीं करेगा इस चीज़ की इस गुनाह की कि अल्लाह के साथ शिरक किया जाए हाँ शिरक से कमतर अगर कोई गुनाह है अल्लाह जिसकी चाहेगा मफफरत करेगा वो भी अल्लाह की मशियत पर है सबकी करेगा जरूरी नहीं है अल्लाह जिसकी चाहेगा मफफरत फरमाएगा लिहाजा गुनाहगार का मामला अल्लाह की मशीत पर मौकूफ है यानी अल्लाह ताला चाहेगा माफ करेगा जिस गुनाह को चाहेगा माफ करेगा जिसकी चाहेगा सजा देगा जिस इंसान को चाहेगा माफ करेगा जिस इंसान को चाहेगा सजा देगा गुनाहगारों को ये नहीं कि नेक नेक इंसान को सजा दे दे गुनाहगार की बात हो रही है तो शिरक की मफफरत नहीं इसी तरह से शर्क के कबील से जो दूसरे गुना हैं शिरक की कैटेगरी के जो गुना है कुफ़र है या निफाक है ये भी गुना ऐसे हैं कि इनकी मफफरत नहीं ये तीनों गुना है शिरक कुफ्र और नफाक निफाक एतकदी कुफर एतकदी जो ये तीनों गुना है शिरक शिरक अकबर इनकी मफफरतान नहीं है आदमी हमेशा के लिए जहनम में जाएगा तो ये भी याद रखें तो एक इंसान अगर नेकी लेकर नीकर गुनाह लेकर आता है तो अल्लाह ताला उसका उतना ही गुनाह लिखेगा और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला उसकी मफफरत कर दे तो ये बहुत ही प्यारी हदीस थी जिसमें हमने ये चार बातें देखी अमल करने के वाले के अतबार से और नीयत करने वाले के एतबार से इसमें कि अल्लाह किसी नेकी को ज़ाय नहीं करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी गुना करने वाले पर उसके गुना से ज्यादा उसको सजा नहीं देता है बल्कि उस पर उतना ही गुना लिखा जाता है जितना उसका अमल है लिहाजा इंसान को हमेशा अल्लाह रबीन से उसने जन रखना चाहिए और अमाल के सिलसिले में हसास होना चाहिए अपनी नीयतों को सही करना चाहिए गुनाहों की नीयत अगर की है उसको तर्क करना चाहिए अल्लाह के लिए ये मुराद नहीं कि जबरदस्ती गुनाह की नीयत करे इसलिए कि वो अच्छी चीज़ नहीं है अगर ये महमूद होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरगीब देते कोई आदमी अकल चलाए कि माशाल्लाह बैठे बैठे काम करते गुनाहों की नीयत करते हैं और फिर अल्लाह के डर से उसको छोड़ेंगे ये जाहिल है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करना सिखाया नहीं है और अक्लमंद अगर होता तो गुनाह की नीयत करके छोड़ने की बजाय नेकियों की नीयत करता उतना ही वक्त उसका खैर में लगता है ताकि उसको उसका सवाब मिलता है क्योंकि उसमें एक ही स्टेप इसमें दो है याद रखें इसको नेकी की नियत करने में एक ही काम है नेकी की नियत करो लेकिन गुनाह की नियत के बारे में दो काम है गुनाह की नियत करना नियत को छोड़ना तो खाम क्यों आदमी जाए नियत करा और मर गया तो क्या करेगा यहाँ तो नियत नेकी की करके मर जाए तब भी खैर है तो कोई ऐसी अकल न चलाए बाजा शैतान इस तरह की भी धोखे इंसान को देता है तो ये हदीस हमने समझी आइए हम अगली हदीस को समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक बहुत ही अहम हदीस है और बाद लोगों के समझने में इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती हैं और कुछ लोग इसकी वजह से इस हदीस को गलत समझ के गुमराह भी हुए और ये हदीस से विलायत है इस हदीस में विलायत के हसूल और उसके नतज उसके लवाजमात को जिक्र किया गया है आइए हदीस के अल्फाज देखते हैं عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن إن استعاذني لا رواه البخاري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سيرواته فرماته يا صلى الله عليه وسلم نشاد فرمان الله تعالى إن الله تعالى قال الله تعالى كفرمانه अल्लाह ताला फरमाता है जो मन आदाली वली जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर बैठे जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे फकद आजन तो हो मेरा उसके साथ जंग का ऐलान है वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरत्तु अलैहि बंदा मेरा तकर्रब किसी चीज़ से वैसे नहीं कर सकता है जैसे उन आमां से कर सकता है जो मैंने उस पर फ़र्ज किए हैं उमान तकर्रबा इलैया बशन अहब्ब सब अलैह सबसे ज्यादा महबूब मुझको यह है कि बंदा फ़राज से मेरा तकरब इख्तियार करें इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं फराइज से बढ़ के मेरा तकरब किसी चीज़ से बंदा हासिल करने की कोशिश करे ही नहीं सकता है फराइज सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब है और इसका सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब है और बन्दा, मेरा बन्दा, मेरा मेरी नजदीकी नवाफिल के जरिए से हासिल करता रहता है यहाँ तक के मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ महबूब आमाल का करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है एक वक्त ऐसा आता है मुसलसल नवाफिल का एहतमाम करता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ फदा अहबब तो हूँ फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने जिससे वो सुनता है वह अब लदी उबसर उबही और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो उसकी बीनाई बन जाता हूँ जिससे वो देखे वो यदोल्लि दहुल्लतीब शुबा और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़े थामे वरज वरिज लहुल्लती यम शबिहा और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले व इनतुह और अगर वो मुझसे मांगे तो मैं मुझसे वो अता करता हूँ मैं उसे अता करता हूँ और मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है सिर्फ बुखारी ने इसको रिवायत किया है आइए इस हदीस को और बहुत से लोगों के लिए हदीस मुश्किल है अहले इल्म एल इसको देखिए इंसान की नीयत अगर सही समझने की हो तो कोई गड़बड़ नहीं होती है वरना आदमी की चाहत अगर गलत हो उसके दिल में अगर टेढ़ हो तो उसके उसकी समझ में सारी बातें उल्टी आती हैं अगर सही तौर से समझने की कोशिश की जाए तो सब सही समझ में आता है मना आदली वली सबसे पहली बात क्या है पहली बात हदीस में है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मन बन जाए मेरे किसी वली का तो क्या फरमाया फन तो बिलहर मेरा उसके साथ अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा उसके लिए जंग का ऐलान है अल्लाह का वली कौन है अल्लाह का वली कौन है इबन तयमिया रहमत फरमाते हैं वलायत और इमन तैमिया ने वला और विला में फर्क किया है लुगत के अतबार से अलवलाय कहते हैं अलवलायतो जिदुलवायतो वल कहते हैं विलायत यह हमारे विलायत उसको कहा जाता है कहते विलायत अदावत की जिद है अदावत दुश्मनी विलायत उसकी जिद है दोस्ती व असल वलायती अलमहबतो वर्ब और विलायत की असल महबत और नज़दीकी है विलायत की असल महबत और नजदीकी है अल्लाह किसी से महबत करता है उसे अपना मुकर्रब बना लेता है नज़दीकी बना लेता है करीब बना लेता है मजमूल फता नंबर एक सौ साठ अल्लाह ताला ने विला, वली कौन होता है अल्लाह ने कुरान करीम में भी इसको बयान किया अल्लाह ने फरमायाजन खबरदार अल्लाह के अलिया उनका उन पर ना कोई खौफ होगा और न गमगीन होंगे अल्ला दीना आमनु व कानू तकोन ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे परहेजगारी की जिंदगी गुजारते रहे यूनुस आयत नंबर चौंसठ इस आयत में अल्लाह ताला ने बतलाया कि किलिया के लिए आखिरत में खौफ व गम नहीं खौफ मुस्तबल का गम माजी का माजी और मुस्तबल दोनों की परेशानी दूर उस सुकून और चैन से खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे जन्नत में उनकी अलामत क्या है वली कौन होता है बगैर कपड़ों के घूमने वाला चरस गांजा पीने वाला गंदा रहने वाला नजासत में लौटने वाला गालियां देने वाला अजीब अजीब ऊट पटांग बातें करने वाला नहीं वली कौन होता है अल्लाह ने कुरान करीम बड़ा बताए इससे बड़ी बड़ी कौन सी किताब है अलदिना आमनू व कानू यतक्उन दो बातें अल्लाह ने बयान की वली होने के लिए दो सिफात हैं एक वो ईमान वाले थे वो ईमान ले आए यानी सहीहुल अकीदा थे उनका अकीदा सही था तौहीद नहीं तो ईमान ही नहीं वमा युमिनु अक्तरहु बिललाह इल्ला व मुशरिकून अलदिना आमनू वलम यलबसु ईमान वाले थे ऐसा ईमान जो शिरक और कुफर और निफाक से पाक हो और दूसरे तकून उनकी अमली जिंदगी थी परहेजगार थे उन बुराइयों से बचते थे हर उस चीज से बचते थे जिससे अल्लाह नाराज होता है तो जिनका अकीदा सही और जिनके अमाल में परहेजगारी ये दो चीजें अगर किसी इंसान में है तो जिस दर्जे में ये उसमें हैं उस दर्जे का वल्ला कवली है एक है वलायत आम और एक है वलायत खा फिर जब आला दर्जे का ईमान और आला दर्जे के का तकवा जिंदगी में हो परेजगारी हो तो ऐसा इंसान आला दर्जे का वली होता है जो खसूसी वलायत अल्लाह तला है तो ये वली है अल्लाह का यूं ही कोई वली नहीं बन जाता अल्लाह का अजायबा अजीब अजीब काम करने वाला और अजीब बातें बयान करने वाला इबन रजबर फरमाते हैं व हम्ल ये तकर्रबो ना इले बी मा कर अल्लाह के अलिया वो हैं जो अल्लाह आमाल के जरिए करीब होते हैं जो आमाल अल्लाह से कुर्ब उसके लिए मुयसर करने वाले हैं अल्लाह से करीब करने वाले आमाल के जरिए से वो कोशिश करते हैं कि अल्लाह का काब उन्हें नसीब हो वो आदा हो अब हम हो बेम इबादही और अल्लाह के दुश्मन कौन है अल्लाह के दुश्मन वो हैं जिन्होंने जिन्हें अल्लाह अल्ला तूर कर दिया है उन अमाल की वजह से जो अल्लाह तला के यहाँ धुतकारे जाने और अल्लाह से दूर करने वाले अमाल हैं जो उसको इस लायक बनाते हैं कि अल्लाह उनको धुतकार दे कि का कुर्ब या से दूरी आमाल का नतीजा होती है कि आदमी अमल करके अल्लाह के करीब बनता है बस जुदुव या फिर बुराइयां करके अल्लाह से दूर हो जाता है गुनाह करके तो एक इंसान आमाल की वजह से क़ुरब हासिल करता है तो वली वो होता है जो उन आमाल का अहतमाम करता है जो अल्लाह से करीब करने वाले हैं और अल्लाह ने उसको बताया कि कौन से अमाल अल्लाह से करीब करने वाले हैं अपने रसूल के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आएगा वो साल आल शेख कहते हैं वल वली यू عند أهل السنة والجماعة عرف بأنه يعني عرفه بعض العلماء بعض العلماء بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي ولي كان هو تاه कहते हैं कि इस्तेलाह में उलमा ने वली कौन होता है इसके बारे में बताया हर वो मोमिन जो मुत्तकी हो जो नबी ना हो उसको वली कहा जाता है क्योंकि अंबिया भी अल्लाह के वली होते हैं लेकिन वली से बढ़ के मरतबा है नबूवत और रिसालत का तो वो तो और भी ऊपर है वो तो उनकी और बड़ी फजीलत है जो इन वलियों को हासिल नहीं है तो वाकई वली जो कहा जाता है इसलाह में उसको जो हर मोमिन मुत्तकी जो ना हो उसको क्या कहते हैं वली इबन कसीर रहमे फरमाते हैं वो शख्स जो परहेजगार होगा मुत्की होगा वो अल्लाह का वली होगा मालूम है कि अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह के हराम की हुई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है यानी कि आदमी नाच गानों में मसरूफ रहे औरतों को भी छुए और हराम खाए और सब दाढ़ी मूडे और सब कुछ करें और अल्लाह का वली और सिगरेट पी रहा है अल्लाह का वली तो बोले अल्लाह के वली अभी अल्लाह के साथ जो है ताल्लुक में है अभी सिगरेट पीते हुए नाच गाने सुनते हुए शर्म आना चाहिए इन लोगों को तो अल्लाह का वली कौन है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचने वाला हो इसको अल्लाह का वली कहते हैं इब्न कसीर ने यूनुस की <t> <मुख्यारी> तफसीर में बात कही है इब्न हज़र रहम फ़रमाते हैं बहुत प्यारा जुमला है कहते हैं عبادته"। ही मुख्तसर बहुत जाम है फ़तुलबारी में किताबरक़ाक़ में बाब तवाब में उन्होंने इसको जिक्र किया है कहते हैं वली से मुराद क्या है कहते हैं वली, वली से मुराद वो शख्स है अल्लाह का वली शैतान का भी हो सकता है अल्लाह का वली कौन तो है अल्लाह का वली वो है नंबर एक अल्लाह बिल्ला जो अल्लाह को जानता हो अल्लाह की की वार्फत उसको हो अल्लाह के हकूक की मारिफत उसको हो अल्लाह रबुलमीन का तारफ उसको हो अल्लाह को पहचानने वाला हो सबको पहचानता अल्लाह को नहीं पहचानता वली कैसे हो गई अल्लाह का वली अल्लाह को पहचानने वाला होता है अल्लाह की किताब सुन्नत के जरिए से और कायनात में गौर करके अल्लाह अल्ला की फर्मा बरदारी पर दायमन अमल करने वाला कभी कभार जुमा को आगे नमाज के लिए नहीं बल्कि हमेशा पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला अल्लाह के हुक्मों को तो कोई ना कोई पूरा करता ही मुसलमान लेकिन वाकई वली अल्लाह का वो है जो पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता हो अलवाबो अचि तीन अलमुखल इबादती ही अल्लाह की इबादत में मुखलिस सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए करने वाला इबादत करके लोगों की तारीफ और दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए करने वाला वाह वाहि के लिए अमल करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता क्यों ये अल्लाह वाला है ही नहीं अल्लाह के लिए करता ही नहीं है ये तो लोगों वाला है یہ مخلوق والا ہے خالق والا نہیں اللہ کے عمل کرنے والا تو اللہ کا علم اللہ کی طاعت یعنی يعني معرفت طاعت اور اخلاص یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر جس درجے میں ہو وہ اللہ کا اس درجے کا ولی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رائتم الرجل سنیے اس کو اذا رائتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء फला तख ही अगर तुम किसी आदमी को देखो पानी पे चलता है बाबा और हवा में उड़ता है धोखा मत खाओ धोखा मत खाओ हताल किताबी व सुन्ना धोखा मत खाना उन चीजों से अजायबात से जब तक कि तुम उस आदमी को के मामले को उसकी जिंदगी को उसके कौल अमल को किताब पर पेश ना करो ये नहीं कहा वो मस्तान होता है उस पर कहा शरीयत उस पर कहा हाँ वो तो आगे निकल गया बहुत इमाम शाफी को नहीं मालूम इमाम शाफी रहमत फरमाते हैं नौ धोखा मत खाओ इतने सारे अजायबात करने के बावजूद भी वो धोखेबाज हो सकता है शैतानी आमाल करने वाला जादूगर हो सकता है यहाँ तक कि तुम उसके मामले को किताब सुन्नत पर पेश करो किताब सुन्नत की मुताबिक उसकी जिंदगी है मुमकिन है वह अल्लाह का वली हो यकीनी तो हम बोल नहीं सकते हैं, गुमान है लेकिन अगर किताब सुन्नत जिंदगी में नहीं है और यहाँ से नोट निकाल रहा है वहां से नोट निकाल रहा है और ख़बरें दे रहा है लोगों को और न जाने क्या क्या कर रहा है हवा में उड़ रहा है पानी भी चल रहा है ऐसा आदमी अल्लाह का वली नहीं हो सकता ये शैतानी अमाल करने वाला जादूगर है तो लोग चूंकि सुनत का ही रखते वो इसी चीज़ से धोखा खा जाते हैं अलिदा हदीस के अल्फाज तो की तारीफ हुई लेकिन वली के बारे में बताया गया कि वली से दुश्मनी हलाकत का जरिया है ये हम लोगों के लिए जो सीधे साधे लोग हैं कि अल्लाह वालों से हम दुश्मनी ना बोले अब अल्लाह वाले वो नहीं जिनको दूसरे कहते हैं वाकई अल्लाह वाले कौन जो अल्लाह वाले हों अल्लाह की रवा अल्लाह की तोहैद और अल्लाह की मर्जियात शरीयत की पाबंदी है किताब सुन्नत वाले इखलास और इतबा वाले ये अल्लाह के वली हैं ऐसे लोगों के बारे में फरमाया मन आदा वली फ आदन तो हो बिलहरब जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मनी करे ख्वाहिश की बुनियाद पर हो उससे दुश्मन हो जाए आदा दोनों तरफ से दुश्मनी के लिए भी आता है ने कहा कि इसकी भी गुंजाइश है जैसे अल्लाह का वली भी उसका दुश्मन हो और ये उसका दुश्मन है अल्लाह का वली क्यों दुश्मन है शरीयत की बुनियाद पर गुनागार है और लोगों पर जुलम करता है तो अल्लाह का वली एक नेक बंदा उससे नफरत रखता है उसका दुश्मन है उसको पसंद नहीं करता है और वो भी उसके साथ बदतमीजी करता है वो भी उस पर जुल्म करता है तो ये दोनों जानबैन से अदावत हुई तो कहा और कभी ऐसा भी होता है कि वली की तरफ से कुछ नहीं है दरगुजर का और इसकी तरफ से उस पर जुल्म है, मन आदा वलीयन। ने कहा कि आदा है तो दोनों तरफ से होगा तो इसकी क्या हो सकती? तो ये सूरत हो सकती है तो कहा कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मन बन जाए उसका तो मैं, मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है इबन रजब रे हैं

तो मानना कैसे माना जाए जैसे तुम बता रहे हो वैसे माने जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया वैसे माने जैसे हमारे साहबा और असलाफ ने बताया वैसे माने तो मानने की सूरत क्या है ये तो तय हो सही मानना गलत मानना भी तो हो सकता है तो अलिया को माना जाए इबन रजब रही फरमाते हैं अलिया तजिबो मुआलातु हम व तहरमो मुआदातु अल्लाह के अलिया से महब्बत और दोस्ती वाजिब है और उनसे दुश्मनी हराम है दुश्मन मत बनो क्यों अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान है इसमें सारेमा मुहदसिन फुका और जितने भी अल्लाह वाले हैं सालहीन, वो सब दाखिल हैं इसके अंदर उनके साथ दुश्मनी नहीं मोलना, अपनी आखिरत खराब नहीं करना दुनिया भी खराब होती बाज़ात जैसा कि आगे आएगा कमा तजी जैसा अल्लाह के जो दुश्मन हैं, उनसे दुश्मनी वाजिब है और उनसे दोस्ती हराम है जो फुस्साक हैं, फुजार हैं दीन के दुश्मन हैं दीन के दुश्मनों से अल्लाह के दुश्मनों से कैसे दोस्ती कर सकता आदमी अपने घर वालों के दुश्मन से नहीं करता है तो अल्लाह के दुश्मन से कैसे करेगा दोस्ती तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि अल्लाह जिससे बोग्ज रखे बंदा भी उससे बोग्ज रखे जो अल्लाह के दीन का दुश्मन हो आदमी उसका दुश्मन हो उसके साथ क्या करे वो शरीर के ताबे हैं लेकिन दिल में उसके लिए अदावत होना चाहिए उससे खुश नहीं होगा जो अल्लाह के दीन का दुश्मन होगा अल्लाह का दुश्मन होगा फरमाते हैं حکم دیا ہے فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت हो ये सुर है अलमुमतना में अल्लाह ने आयत नंबर एक में फरमाया कि मेरे और तुम्हारे जो दुश्मन हैं जो अल्लाह के दुश्मन हैं खुद ईमान वालों के दुश्मन हैं उनको अपना तुम दोस्त मत बनाओ यानी कल भी महबत उनसे ना हो एहसान हो सकता है किसी पर हो जो उसका मुस्तक हो लेकिन कल भी महब्बत नहीं मोहब्बत अलग चीज है और रहम अलग चीज़ है दुश्मन पे भी रहम आता है कोई आदमी बहुत बुरा इंसान था देखा बुरी मौत मर रहा है आदमी को रहम आता है उस पर बीमार पड़ा हुआ है फुला दवा खाने में है आदमी को देख के रहम आता है अगरचे जिंदगी भर दुश्मन था अभी भी उसको पसंद नहीं करता उसकी बदखलाती और उसकी बुराइयों की वजह से लेकिन उस पर रहम आता है इंसान को लेकिन जरूरी नहीं कि मोहब्बत भी दिल में पैदा हो महब्बत एक अलग सिफत है रहम एक अलग सिफत है अल्लाह तला सारे बंदों पर बंदों पर दुनिया में रहम फरमाता है और हमको भी जमीन वालों पर रहम करने के लिए कहा गया लेकिन मोहब्बत का मामला अलग है वो खसूस ताल्लुक होता है जो अपनों से होता है तो ये ये अलग चीज है दोनों में फ़र्क है तो इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के अलिया से अल्लाह के दुश्मनों से महबत नहीं और अहलेल एल में कहा कि अल्लाह के अलिया से महबत होनी चाहिए दुश्मनी नहीं इस ताल्लुक से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला फरमार अल्लाह का फरमान है बिलहब जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरा उसके लिए जंग का ऐलान है ये जो मामला अल्लाह का बड़ा संगीन है इस ताल्लुक से भी कुछ चीजें देखते हैं जो अखीर के अल्फाज भी हदीस के हैं लेकिन शुरुआती में उसको देख लेते हैं ताकि मामले की संगीनी और अल्लाह का जंग का ऐलान कितना भयानक मामला है ये भी हमारी समझ में आए। जाबिर रज़ी अल्लाह दो वाकयात में बयान करूंगा जो सही बुखारी में मौजूद है जाबिर अल्लाह सदी कहते हैं शकुल्ल

लोगों ने ऐसी शिकायतें कर दी यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अच्छे से नमाज भी नहीं पढ़ाते अच्छे से नमाज भी लोग ऐसा भी करते हैं नेक लोगों के सिलसिले में ऐसा होता है आदमी भेजा हजरत के पास, के पास। इन्हा का के लोग ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे से नमाज भी नहीं पढ़ते हो खाला अब इसहाम सला आखिरीमाना का यानी अल्लाह की कसम जहाँ तक कि मेरा अपना मामला मैं जानता हूँ ये है कि मैं उन्हें तो वही नमाज पढ़ाता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्ला पढ़ते थे और मैं उसमें ज़रा भी कोताही नहीं करता जैसी प्यारे रसूल से हमने सीखी नमाज वैसी पढ़ाता मैं उसली सलातल, उसली सलात आर खुदी ईशा की नमाज में पढ़ाता हूँ पहली दो रकतें लंबी पढ़ाता हूँ तवील और दूसरी मुख्तसर अब ऐसे पढ़ाता हूँ अगर मेरे ऊपर ऐब लग रहा है तो ये ऐब है कि लंबी पढ़ाता हूँ दो रकतें और दो रकतें हल्की हतमर ने कहा काल, या कहा मेरा तुम्हारे बारे में यही गुमान था मेरा तुम्हारे बारे में यही गुमान था मुझे गुमान था तुम यही करोगे फिर उनके साथ एक या कई को भेजा कूफा की को अहलुफा और वह आदमी या वो लोग अहल कोफा से पूछते जाते थे कि क्या बोलना है इनके बारे में क्या बोलना है इनके बारे में वलमिद कोई एक मस्जिद भी कोफा में ऐसी नहीं छोड़ी कि इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया क्या बोलना है इनके बारे में कैसे हैं ये अल्लाह वयुस्ुना सब के सब उनकी तारीफ ही करते थे यानी बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने उनकी शिकायत की थी और बाकी सारा जो मामला था सारे लोग जो कोफा में थे वो तारीफ करते थे मस्जिद वाले मस्जिद वाले तारीफ करते थे हतम अब्स यहाँ तक के वो शख्स जो तहकीक के लिए गया था وہ بني عبس کی مسجد میں گیا فقام رجل منهم ایک آدمی يقال له اسامة بن قتادة يكنا ابا سعدة ایک آدمی جس کا نام اسامة بن قتادة تھا اور اس کی ابو سعدة تھی وہ قال اما اذ اذ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية उसने कहा देखो अब बोलना तो नहीं चाहता आदमी बोलने वाला कैसा बोलता है बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अब आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा तो अब जब तुमने पूछा ही है तो सुन लो बता रहा हूं क्या कहते हैं साथ जो है तआला हूँ शिकायत कर रहा है कहा कि साध जो है ये जंग में सरिया में जाते नहीं यहीं रहते हैं और लोगों को भेजते हैं और अदल के साथ इंसाफ से माल लोगों में तकसीम नहीं करते और जब कजा करते हैं फैसला करते हैं दो लोगों के बीच में तो उसमें भी इंसाफ नहीं करते हैं उसमें भी अदलो इंसाफ नहीं करते हैं। लोगों को बेचने खुद जाते नहीं जंग में दो लोगों में माल तकसीम करते तो बराबर नहीं करते सही ढंग से नहीं करते और तीन ये लोगों में जब फैसला करते हैं तो फैसला भी अदल के मुताबिक नहीं करते तोहमत लगाई अब तक तो ये बात नहीं आई थी अब ये भी बात उसने बोल दी काला साद देखिए अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए قال سعد انا والله لا ادعو ثلاث कहा अल्लाह की कसम मैं तीन बददुआएं तुझको देता हूं तीन इल्जाम लगाए ना मैं तीन बददुआएं तुझको देता हूं اللهم लेकिन देखिए सहाबा कितने अदल वाले थे कितने नेक दिल लोग थे वो मजलूम होने के बावजूद भी ज़ालिम नहीं बनते थे बाद अव मजलूम खुद जालिम बन जाता है बदला लेने का वक्त आता है तो बहुत से मजलूम खुद जालिम बन जाते हैं कहा इन इनका ना अब कहा का दिबन का मरिया का क्या अगर ये जो बंदा है अगर ये खड़ा हुआ है मेरे खिलाफ यानी ये बंदा जो है झूठा है अगर ये अपनी बात में अगर ये झूठा है और ये लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए बस रियाकारी के तौर पर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है आकिल उमुरा हो इसको लंबी उम्र दे इसको लंबी उम्र दे बुढ़ापे तक उसको लंबी उम्र दे वह आकिल फकर हो और इसको बिल्कुल कंगाल और इसको फकर फाके में मुबतला कर दे वह आरिद हो बिल फितन और इसको फितनों में डाल दे इसको फितनों में डाल दे बदुआ उसके दी कहते हैं वा नकुल वो उस आदमी का हाल बाद में हुआ उसकी उनकी बदुआ लग गई उसको बाद की उम्र में लंबी उम्र उसको मिली और इदासु उससे पूछा जाता क्यों वकानसुलाकुल तुम्हारा हाल हुआ कहता था शेख उन कबीर असाबतनी कहता था मैं बूढ़ा आदमी हूँ जो फितने में मुबतला हो गया हूँ मुझे साँध की बदुआ लग गई मुझे साध की बदुआ लग गई कल आब्दुल मलिक रावी हदीस के कहते हैं अब्दुल मलिक खुद अपनी आंखों से उसको देखा हूं के दौर में, कद सकता पर उसकी जो है भवे आ गई थी इतना तो गोश्त अटक गया था उसका बुढ़ापे की वजह से दोनों आंखों पर वह इन न हो लयतो लवारी और बच्चियां लड़कियां जो रास्ते से जाती थीं उनके उनको जो है यूं से कचो के उनको लगाता था या उनको इसी तरह से यानी छूता था तो यानी ऐसे बिगाड़ में मुबतला हुआ उसी हाल में उसको उसको मौत आई तो ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है इमाम अल बुखारी ने किताब अदान में सात सौ पचपन पर और इमाम मुस्लिम ने चार सौ तिरपन पर इसको रिवायत किया और सयाक बुखारी का है इसे समझ में आता है कि बाज़ नेक बंदे अल्लाह के मजलूमी में बाजत बदुआ दे देते हैं अब आदमी ने कभी बदुवा क्यों दिए इंसान जब तड़प के कभी बदवा दे देता है ऐसे लोगों की बदवा से बचना चाहिए बल्कि अल्लाह को तो बहुत दूर की बात है एक आम इंसान भी दावत मज़लूम। हदीस में आया कि मजलूम की बदवा से बच तो अगर कोई आदमी एक आम इंसान व इनका न काफिरन बाज रिवायतों में ये भी है अगर अगरचे वो काफिर हो काफिर भी है अगर उस पर जुल्म और उसकी जुल्म मजलूम की बदुवा से बच क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान उसकी दुआ के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता है अल्लाह उसकी बदुआ को कबूल करता है तड़प के अगर वो बदुआ दे दे अल्लाह मेरा बदला तो इससे ले ले या उसके बारे में बेतीन अगर कुछ बोल दे तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह उसको वो सजा देगा जैसा इस इंसान को दिया वो मुसलमान था लेकिन उसने एक सहाबी पर इल्जाम लगाया किसी की इज्जत को खराब करना अच्छी चीज नहीं है एक इंसान तफरी के तौर पर लोगों में नुमाया होने के लिए आज इस दौर में भी एक बहुत आसान तरीका है कि किसी इंसान को शरीफ नफ्स इंसान को बेजत करना है खुद कुछ बड़ा बनना है किसी बड़े आदमी पर कीचड़ उछालो अपने आप तुमको मीडिया में कवरेज मिल जाता है फेसबुक पर यूट्यूब पर यहां वहां तुमको कवरेज मिल जाता है तुमको लोगों की निगाह में तुम आ जाते हो कि ये भी कोई चीज है आसान तरीका क्या है किसी अच्छे इंसान की इज्जत उछालो तो तुमको तुम्हारी बात सुनने के लिए सब लोग तुम्हारी तरफ मुतवजे हो जाते है क्यों इसलिए कि इंसान आम तौर से समाज गंदगी का तालिब होता है एक आदमी किसी की तारीफ कर रहा है खड़े होकर तो लोग सुनेंगे नहीं वहां पर खड़े होकर लेकिन किसी के अयुब बयान कर रहा है तो काम छोड़ के उसके पास आके सुनेंगे क्या क्या बताओ वापस से लेकिन किसी के बारे में कोई कह रहा कि कोई आदमी फुला काम करता है नेक काम करता है ये काम करता है लोगों ने क्या हुआ बहुत बड़ी बात है साहबा तो इससे ज्यादा करते थे नबी सलास्तम इससे ज्यादा करते थे हम भी करते हैं उसको उतने ध्यान से नहीं सुनेगा लेकिन कोई आदमी ओयू बयान करना शुरू कर दे मालूम है क्या हुआ उसका मालूम है उसने क्या किया उस दिन तो काम वाम छोड़ के सब आएगा बताओ ना भाई क्या बात है ये लोगों की तबीयतें भी गंदी होती है हमारे कुलूब बिगड़ चुके हैं हमारा समाज बर्बाद हो चुका है और हमारे समाज में ऐसा इंसान परवान चढ़ता है जो सॉलहिन पर तोहमत लगाने वाला हो सारे उसूल हम भूल जाते हैं जाकुम फासिकुम अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई बदकार इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो तहकीक वगैरह तहकी हम सब चीजें भूल जाते हैं तो इन्होंने बदवा दी एला अगर ये झूठा है अपनी बात में और बस लोगों में शोहरत पाने के लिए ऐसा कर रहा है तो उसको लंबी उम्र दे इसको लंबी उम्र दे और इसको फकर्र फाके में मुबतला कर दे लंबा फकर व फाका दे इसको और इस इंसान को फितनों में डाल दे यानी इस इंसान के बदकार होने को साबित कर दे लोगों के सामने कि ये बिगड़ा हुआ आदमी था इसके अंदर गंदगी थी उसको सामने ले आ लोगों को इसको आजमा तो ऐसे हालात में डाल तो कि ये ये बिगड़ा हुआ साबित हो जाए आजमाई जब आती है सोने को आग में डाला जाएगा तो क्या होगा सोना और निखर के आएगा ये गंदगी को डाला जाए तो गंदगी फना हो जाएगी तो एक इंसान अगर अच्छा है जब आजमाइश में पड़ता है उस आजमाइश में निखर के और अच्छा साबित होता है आजमाइशें अच्छे और बुरों को उनमें तफरीक कर देती हैं वाली हमने पहलों को भी आजमाया है तुमको भी आजमाएंगे तो अल्लाह ताला जान लेगा अल्लाह देख लेगा कि कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं आजमाइशें तफरीक करने के लिए होती हैं अच्छा अच्छा साबित होता है बुरा बुरा साबित हो जाता है अल्लाह इसको फितने में डाल दे यानी अल्लाह इसको आजमाइश में डाल ताकि इसका गलत होना लोगों के सामने आ जाए इसका बिगड़ा हुआ होना लोगों के सामने आ जाए उन्होंने बदवा दी उसको और अल्लाह ताला ने उस बदवा को कबूल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को उस बीमारी में उस परेशानी में मुबतला किया बे आईनी ही जो जो मांगा अल्लाह ने उसको दिया उस मुसीबत में उसको डाला लिहाजा एक आम इंसान की बदवा से तो बचना ही चाहिए खास तौर से उन लोगों की बदवाओं से बचना चाहिए जिनका अल्लाह रबालमीन से ताल्लुक है नेक लोग हैं बुराई में नहीं जाते किसी पर जुलम नहीं करते किसी के लेने देने में नहीं है अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल करते हैं इबादात में लगे रहते हैं या दीन का काम करते हैं उल्मा हैं उल्मा की इज्जतें तो आज बहुत आसान हो गई उड़ाना किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दो बहुत आसान हो गया लेकिन ये नहीं सोचता आदमी कि इस आलिम की बेजती करने से इस पर झूठी तहमत लगाने से इसके बारे में बदजुबानी करने से दीन का नुकसान भी होगा कि नहीं होगा और अल्लाह तला दीन का नुकसान कभी पसंद नहीं करता है लिहाजा ये ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा ये बात इस पर मैं समझता हूँ बात को ख़त्म करना चाहिए और इसके आगे की बात इन हम अगले दरस में देखेंगे और ये बहुत अहम हदीस है इसमें शुबहत भी बाज़ हैं इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि बे तफसील उन शुबहत को हम अगले दरस में देखें अल्लाबालमीन हम सब को हर मुसलमान के तल्ल से उसके हकूक़ की रायत करने की तोफ़ीता फरमाएँ और खसूस सॉलहीन अल्लाह वाले जो भी हैं उन लोगों की इज्जतों की और उनके मामलत की रियायत करने की हम सबको तोफ़ी अतः फ़रमाएँ और अल्लाह रब्लम के अज़ाब से उसकी नाराज़गी से हम सबकी हिफाज़त फरमाएँ अक़ुलहद अवस्तफ़ी अमीर अरब्लम अल्लाह रबीन शेख मोहतरम कोता फ़रमाए बड़ी ही कीमती और अहम बातें हदीस की शरह़ के दौरान हम शेख से समात फरमा रहे थे और जो इश्काल और इतराज़ात लोगों के जहन दिमाग में आते हैं अलहदिल्ला शेख मोहतरम उन तमाम चीज़ों को दूर कर देते हैं ए, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शेख एेख का दर जब सुनते हैं तो इश्काल जब जहन में आता है तो इशकाल आते ही शेख उसका जवाब दे देते हैं तुमने तो कहा इसीलिए सवाल जवाब की मीटिंग और नशस्त नहीं रखते हैं कि आप सवाल करेंगे तो सवाल से पहले शेख जवाब दे देते बोले अलहमदबिल्ला तो अलहमदिल्ला तेखु ज़दाय खेरता फ़रमाए और बड़ी कीमती बातें और कुछ ऐसे इशकाल जिसका जवाब जिसका जवाब जानने के लिए बहुत सारी किताबों का मुताल करना पड़ेगा बड़े आसान लफ्ज़ों में जैसे नीयत की बात थी बड़े आसान लफ्ज़ों में हमें समझा दिया शेख मोहतरम ने कि नीयत का मतलब क्या है और जो अज्र मिलता है उसका मतलब क्या है बड़े आसान लफ्ज़ों में अल्लाह ताली शेख को ज़ाये खेरता फ़रमाए और इन शह जुमा को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह तआला है कि अल्लाह रब्लम हम सबको अपने हिफात में रखे और शेख जो कुछ पेश करते हैं अल्लाह ताली उन्हें उस पर बेहतरीन बदलाता फरमाए और हम सब को उनके इल्म से मुस्तफ़ी फरमाए आमीन जजाकमल खैर वबी महमद वसाब अजमाइन असल वरहमल वर्क वरक